नमस्कार दोस्तों, SBI सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि कल के सेशन में क्या हुआ है और आज ऐसे कौन कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी। तो दोस्तों, कल का सेशन भी मार्केट के लिहाज से काफ़ी बेहतर था। अक्रॉस द बोर्ड हमने बाइंग देखी है, जहां पर सेंसेक्स की बात है तो वो करीब 204 पॉइंट ऊपर चढ़ करके 76,811 के आसपास बंद हुआ, जबकि निफ्टी में बढ़त करीब 76 पॉइंट की रही है और ये 23,399 के आसपास बंद हुआ है। मिड एंड स्मॉल कैप में स्ट्रांग रैली हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से और कल भी जारी ही था। तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स करीब 0.1% और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 2/3% ऊपर जा करके बंद हुआ है। बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की। जो निफ्टी में जो टॉप गेनर्स रहे हैं वो श्रीराम फाइनेंस, M&M, दीवीज लैब, टाइटन, इंडसइंड बैंक, TCS, विप्रो और BPCL, जबकि गिरने वाले जो शेयर्स रहे हैं वो HUL, आइशर मोटर, एक्सिस बैंक, ब्रिटानिया पावर ग्रिड, टाटा कंज्यूमर और ICICI बैंक। आइए बात करते हैं कि सेक्टोरली क्या डेवलपमेंट था। तो सबसे बड़ा जो गेनर था BSE मार्केट पे वो था रियल्टी इंडेक्स, जो करीब 2.25%, BSE कैपिटल गुड लगभग 2%, BSE IT, ऑटो सर्विसेज, हेल्थ केयर, इन सारे इंडेक्स में क्रमशः 1% से 0.5% की बढ़त कल के सेशन में हमने देखी है। जबकि गिरने जो 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 जिसपे था गिरने वाला जो इंडेक्स था वो था BSE टेलीकॉम, जहाँ पे गिरावट लगभग 1% की रही है कल के सेशन में। मार्केट ब्रेथ जो है काफ़ी अच्छा था, 2,345 कंपनियाँ एडवांसेस कैटेगरी में और 1,539 कंपनियाँ डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। इस बीच करीब 190 ऐसे स्टॉक है जिन्होंने 52 सप्ताह का नया हाई बनाया है, जैसे बीकाजी फूड्स, ब्लू स्टार, सिप्ला, क्रॉम्पटन, एग्जायर इंडस्ट्रीज, हैप्पी फोर्जिंग और ITE सीमेंटेशन। बात करते हैं FII/DII की। तो FII और DII दोनों ने ही कल के सेशन में सेलिंग की है, जहाँ पे FII ने करीब 3,033 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, वहीं पे DII ने करीब 554 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। आइए बात करते हैं ग्लोबल क्यूज़ की। तो ग्लोबल क्यूज़ थोड़ा सा आज म्यूटेड लग रहा है, हालांकि US बाज़ार में जो मोमेंटम बना हुआ है, डॉ जॉन्स खुलते ही करीब 0.1% जो है नीचे खुला था, हालांकि बंद होते होते हमने एक तेज रिकवरी देखी है US मार्केट में। नैसडैक और S&P दोनों ही इंडाइसेस जो है ग्रीन में बंद हुए हैं, जहां पे नैसडैक में बढ़त करीब 0.5% की रही, वहीं पे S&P भी लगभग 0.2% ऊपर बंद हुआ है। जो US का जो वीकली जॉबलेस क्लेम डेटा है दोस्तों, वो थोड़ा सा इंकरेजिंग है, यानी कि जो जॉबलेस क्लेम है वो बढ़कर के 2,42,000 पहुंच गया है, ये मार्केट के अनुमान से थोड़ा ज़्यादा है। तो इससे कहीं ना कहीं आगे चल कर के इंटरेस्ट रेट कट को लेकर के एक स्ट्रांग जो है आउटलुक बन रहा है, क्योंकि अगर जॉबलेस क्लेम बढ़ रहा है तो शायद इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो इसलिए भी हमने कल मार्केट में जो US का बाज़ार है वहाँ पर रिकवरी थोड़ी देखी है। एशियन मार्केट थोड़ा सा मिक्स ट्रेडिंग कर रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि हम एक म्यूटेड शुरुआत देख सकते हैं, हालांकि ब्रॉडर मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्सचेंज जो है वो बरकरार रह सकता है। आइए देखते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो आज फोकस में रहेंगी। तो बात करते हैं पहले अंबुजा सीमेंट की। तो यहाँ पर कंपनी ने कहा है कि पन्ना सीमेंट में कंपनी 100% का स्टेक अक्वायर करने वाली है, जिसकी वैल्यू करीब 10,422 करोड़ रुपये की होने वाली है। तो अंबुजा सीमेंट के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है, उम्मीद करते हैं स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि उनके बोर्ड ने 2,458 करोड़ रुपए के फंड रेजिंग के लिए मंजूरी दी है और ये प्रेफरेंशियल रूट के जरिए होने वाला है, और ये पैसा जो है थोड़ा डेट को रीपेमेंट करने में जाएगा और कंपनी आगे अपना जो 4G और 5G नेटवर्क है उसको जो है एक्सपांड करेगी। तो ये उनके लिए आज पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है। पूर्वांकरा प्रोजेक्ट ने कहा है कि उनके बोर्ड ने 1,000 करोड़ रुपये के KYP के लिए मंजूरी दी है, तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है पूर्वांकरा के लिए। विप्रो ने कहा है कि उन्होंने ऑन प्रेमांगी जेनेटिव AI सॉल्यूशन को जो है वो लॉन्च किया हुआ है हेवलेट एंड पैकर्ड इंटरप्राइज के साथ में, तो ये उनके लिए पॉजिटिव है। जैगल प्रीपेड ने कहा है कि उन्होंने स्काइडो टेक्नोलॉजी के साथ में एक पैक्ट साइन किया हुआ है, यहाँ पे कंपनी जो है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में जो है वो फैसिलिटेट करने वाला है, तो ये उनके लिए पॉजिटिव है। राइट ने जो है राइट्स लिमिटेड, जो कि एक सरकारी कंपनी है, यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि कंपनी और DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक MOU साइन किया हुआ है, और आगे चल करके यहाँ पे कंसल्टेंसी ऑपरेशन और मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो कि मेट्रो रेल के लिए होगा, इसके पॉसिबिलिटीज़ को जो है एक्सप्लोर करेंगे भविष्य में, तो ये पॉजिटिव है राइट्स के लिए।
डीसी सिस्टम ने कहा है कि उनको एक 32 करोड़ रुपए का जो है ऑर्डर मिला हुआ है डोमेस्टिक और ओवरसीज कस्टमर से, तो ये उनके लिए पॉजिटिव है। अतुल ऑटो ने कहा है कि उन्होंने एक सब्सिडरी को इंकॉर्पोरेट किया हुआ है जो कि लीजिंग में जो है ऑपरेट करेगी, तो ये उनके लिए पॉजिटिव है। एशियन एनर्जी सर्विसेज जो है आज फोकस में होगा, यहाँ पे कंपनी को जो है एक LOA जो है मिला है सन फार्मास्यूटिकल से, 3D जो उनको ऑर्डर मिला है वो है सन पेट्रोकेमिकल से, और यहाँ पे कंपनी 3D सेस्मिक डेटा जो है वो एक्सप्लोर करने वाली है, तो जिसकी वैल्यू लगभग 38 करोड़ रुपए के आसपास की है, तो ये एशियन एनर्जी के लिए जो है पॉजिटिव है। नालको ने कहा है कि कंपनी ने जो है उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट के साथ में एक माइनिंग लीज साइन किया हुआ है जहाँ पे वो करीब 698 हेक्टेयर्स की ज़मीन जो है वो एक्सप्लोर करेंगे बॉक्साइड माइन के लिए, और ये 32 साल का लीज पीरियड है, और यहाँ पे कंपनी ये कह रही है कि करीब 3.5 मिलियन मेट्रिक टन का जो है एनुअल प्रोडक्शन हो सकता है, जिसकी एस्टिमेटेड रिजर्व लगभग 111 मिलियन टन के आसपास की है, तो ये उनके लिए पॉजिटिव है नालको के लिए। सुवन फार्मा ने कहा है कि उन्होंने एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया हुआ है सपाला ऑर्गेनिक्स के साथ में, और कंपनी यहाँ पे जो है 100% का इक्विटी स्टेक जो है एक्वायर करने वाली है, तो ये उनके लिए पॉजिटिव होगा। हैवेल्स ने कहा है कि जो उनका AC मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ पे जो है उनकी कैपेसिटी को जो है वो बढ़ाया जाएगा, 15 लाख यूनिट किया जाएगा एक साल, 15 लाख यूनिट कर दिया जाएगा एक साल के लिए, यानी कि हर साल लगभग 15 लाख AC जो है वहाँ से बनेंगे, तो ये उनके लिए जो है पॉजिटिव होगी। यहाँ पे कंपनी करीब 50 से 60 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। उसके अलावा क्यूपिड लिमिटेड ने कहा है कि उन्होंने सिप्ला के साथ में, यानी सिप्ला हेल्थ जो है उनके साथ में एक एग्रीमेंट, या यूं कहें कि सिप्ला से उनको एक ऑर्डर मिला हुआ है मेल कॉन्डम सप्लाई के लिए, तो ये उनके लिए जो है पॉजिटिव है सिप्ला के लिए। और एक्सारो टाइल्स ने कहा है कि उनका जो एक प्लांट है उसको जो है टेम्प्ररी उसको शट डाउन किया जा रहा है मेंटेनेंस की वजह से, तो ये उनके लिए न्यूट्रल डेवलपमेंट है। आइए बात करते हैं कुछ ब्लॉक डील की, तो यहाँ पे L&T फाइनेंस में BNP पारिबास ने करीब 5.78 करोड़ शेयर जो है बेचे हैं, उसके अलावा BC इन्वेस्टमेंट ने भी करीब 1.03 करोड़ शेयर जो है बेचे हैं, BC एशिया ग्रोथ ने करीब 2 करोड़ शेयर बेचे हैं, जबकि बाइंग जो करने वाले जो एंटिटीज़ हैं वो है मोर्गन स्टैनली एशिया, L&T, ये सब कुछ कंपनियां जिन्होंने जो है बाय किया हुआ, तो एक चेंज ऑफ हैंड हुआ है। इंटरग्लोब एविएशन में जो है सिटी ग्लोबल मॉरिशस ने जो है करीब 5,21,000 शेयर जो है वो बेचे हैं, जबकि सरारी जनरल ने करीब 5,21,000 शेयर जो है खरीदे हैं, तो एक चेंज ऑफ हैंड यहाँ पर भी हुआ है। सेनको गोल्ड में सेफ पार्टनर ने करीब 45 लाख शेयर जो है बेचे हैं, जबकि इंडिया एक्रॉन ने 6,33,000 शेयर जो है खरीदे हैं, तो यहाँ भी चेंज ऑफ हैंड हुआ है। उसके अलावा इंडियन शेल्टर फाइनेंस में जो है मेडिसन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड ने करीब 11,35,000 शेयर जो है बेचे हैं, धामपुर शुगर में अनिल कुमार गोयल ने 5,97,000 शेयर बेचे हैं, द्वारके शुगर में भी जो है अनिल कुमार गोयल ने करीब 12,90,000 शेयर बेचे हैं, ओम इंफ्रा में विद्युल गुप्ता ने करीब 5 लाख शेयर्स खरीदे हैं, और पावर मैक प्रोजेक्ट में जो है पावर मैक इंफ्रा में करीब 1,08,000 शेयर जो है वो बेचे हैं। इसके अलावा कुछ और भी एंटिटीज़ हैं जिन्होंने जो है इस कंपनी में सेलिंग की है। दोस्तों अब बात करते हैं आज के इनसाइडर ट्रेड्स की, तो ऐसी कंपनियां जहां पर प्रमोटर ने बाइंग या सेलिंग की है, तो सोम डिस्लरी में प्रमोटर ने जो है स्मॉल क्वांटिटी ओपन मार्केट से बाय की है, एक्शन कंस्ट्रक्शन में प्रमोटर ग्रुप ने करीब 13 लाख शेयर जो है वो बेचे हैं, उसके अलावा कैंटा बिल रिटेल में जो है प्रमोटर ने करीब 1 लाख शेयर जो है मार्केट से खरीदे हैं, और वाट बाजार इनोवेशन में जो है प्रमोटर ने करीब 67 लाख शेयर जो है वो बेचे हैं। तो ये कुछ कंपनियां जहां पे इन सारे ट्रेड्स हुए हैं। आज अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट एक्शंस की, तो आज ढेर सारी कंपनियों का जो है एक्स डेट है डिविडेंड के लिए, जैसे सोना BLW, बजाज ऑटो, BAC, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदानी ग्रीन, कैनरा बैंक, महिंद्रा फोर्जिंग, L&T टेक्नोलॉजी, बीकाजी फूड्स, ACC, टोरंट पावर, अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट, ये सब कुछ कंपनियां हैं जिनका आज डिविडेंड के लिए एक्स डेट है।
दोस्तों इसके अलावा कामधेनु वेंचर का स्टॉक स्प्लिट के लिए जो है आज एक्स डेट है। तो दोस्तों ये सारी कंपनियां आज फोकस में रहेंगी। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।